तमिलनाडु में सिनेमा टिकट पर 28% ज्यादा वस्तु एवं सेवा कर यानी GST के साथ साथ 30% मनोरंजन कर लगाने के विरोध में अब फिल्म अभिनेता रजनीकांत भी उतर आए हैं। उन्होंने ट्वीट के जरिए तमिलनाडु सरकार से 30% मनोरंजन कर हटाने की अपील की है। रजनीकांत ने ट्वीट करते हुए लिखा, तमिल फिल्म उद्योग के लाखों लोगों के जीवन यापन को ध्यान में रखते हुए तमिलनाडु सरकार को हमारी दलील पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। वहीं राज्य सरकार के इस फैसले के खिलाफ राज्य में सभी सिनेमा घर लगातार 3 दिनों से बंद हैं। इसके साथ ही अभिनेता व फिल्म निर्माता कमल हासन ने भी कर हटाने का समर्थन किया है। कमल हासन ने कहा कि राज्य में फिल्म निर्माण की प्रक्रिया को जानबूझकर मुश्किल बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था के तहत फिल्म उद्योग को और परेशानी व प्रणालीगत भ्रष्टाचार झेलना पड़ेगा। उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि पड़ोसी दक्षिण भारतीय राज्यों ने GST के ऊपर और सिनेमा पर अतिरिक्त कर लगाने से मना कर दिया है। हालांकि बताया जा रहा है कि दोहरे कर की मार ने तमिल फिल्म उद्योग को अधर में छोड़ दिया है, जिसके चलते तमिलनाडु फिल्म चैम्बर ऑफ कॉमर्स को मजबूरन सिनेमा घरों को बंद करने की घोषणा करनी पड़ी। वहीं तमिलनाडु फिल्म प्रोड्यूसर्स काउंसिल के अध्यक्ष अभिनेता विशाल कृष्णा ने कहा कि इस मामले को सुलझाने के लिए सरकार ने समय मांगा है। वहीं तमिलनाडु थिएटर्स एसोसिएशन एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट अभिराज रामनाथ का कहना है कि हम GST के खिलाफ नहीं बल्कि 30% मनोरंजन कर के खिलाफ हैं। यह GST के साथ साथ लगाया जाएगा, लेकिन अगर सूत्रों की बात करें तो सूत्रों के मुताबिक GST पर पैदा हुए गतिरोध के कारण फिल्म उद्योग को अब तक 20 से 25 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है, और अगर इस तरह से हड़ताल जारी रही तो आने वाले दिनों में काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है।